हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, चैप्टर 2, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। सो मुझे विश्वास है कि आपने प्रीवियस वीडियोस भी अच्छे से देखा है, क्योंकि गुडविल का टॉपिक ही इतना ज़्यादा इलैबोरेट है कि वो एक वीडियो में या कुछ क्वेश्चंस में उसे पूरी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। सो टेक एडवांटेज ऑफ द प्रीवियस वीडियोस एंड देन वॉच दिस वीडियो फुल। डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ इट, लिसन टू द एक्सप्लेनेशन, देन ओनली यू विल गेट द कॉन्सेप्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹1 lakh, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द सुपर प्रॉफिट। सो सॉल्यूशन 22, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1 lakh प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹40,000, दैट इज इक्वल टू ₹1,40,000। सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। ये कौन सा स्टॉक है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कम लिखा गया है 40,000 rupees से, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम लिखा गया होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होने के कारण नेट प्रॉफिट भी कम है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे प्रॉफिट से। ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। फिर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, सो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹6,30,000 का, और रेट ऑफ रिटर्न है 5%। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल ₹31,500। फाइन, अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1,40,000 माइनस 31,500। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,08,500। नाउ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो 1,08,500 इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5 times द सुपर प्रॉफिट, सो मल्टीप्लाइड बाय 5। सो गुडविल इज इक्वल टू ₹5,42,500 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹7,50,000, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹42 lakh एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द सुपर प्रॉफिट। सो सॉल्यूशन 23 वी विल सी। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमें करना क्या है? हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ₹7,50,000 का, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यू किया गया है 30,000 से। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो ये जो प्रॉफिट है ये भी ओवर स्टेटेड है, तो इसे हम कम करेंगे 30,000 से। सो ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिड्यूस द प्रॉफिट। फाइन, सो ये क्लोजिंग स्टॉक जो 30,000 rupees ज़्यादा लिखा था, जिसके कारण एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया था, उसको हमने ठीक कर दिया। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹7,20,000 का। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे।
नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? 42 लाख. 42 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेट ऑफ रिटर्न है 15%. इट इज़ 6,30,000. सो नॉर्मली बिजनेस को 15% रिटर्न मिल रहा है. सो नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का होना चाहिए था ₹6,30,000 का, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस ने अर्न किया है ₹7,20,000. सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा. अब यहाँ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 7,20,000 माइनस ₹6,30,000. सो सुपर प्रॉफिट आ गया ₹90,000 का. नाउ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ 3 times सुपर प्रॉफिट. सो 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू ₹2,70,000. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इन टू पार्टनरशिप विद इफेक्ट इन फोर्स फ्रॉम 1st of April 2024. दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years. द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर फॉर द लास्ट 5 years वेर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ₹1,50,000. 31st March 2021 ₹1,80,000. 31st March 2022 ₹1,00,000 including abnormal loss of ₹1,00,000. 31st March 2023 ₹2,60,000 including abnormal gain or profit of ₹40,000. 31st March 2024 ₹2,40,000. The firm had total assets of ₹20,00,000 and outside liabilities of ₹5,00,000. As on that date, normal rate of return in similar business is 10%. Calculate value of goodwill. So solution 24. हमें profits दिया हुआ है पिछले 5 साल का, year ending 31st of March 2020 से. तो ये 5 साल का प्रॉफिट है, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स में गड़बड़ी है. जैसे कि 2022 के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस है जो माइनस होने के बाद 1,00,000 रुपीज़ है. सो हमें नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ईयर चाहिए होता है, तो इसमें जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है उसे हमें एलिमिनेट करना होगा. सो एबनॉर्मल लॉस जो 1,00,000 रुपीज़ का है वो आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो है वो कभी कभी होता है और दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल लॉस ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, इस तरीके के जो लॉसेस होते हैं वो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, वो ह्यूमन एरर्स के कारण ज़्यादा होते हैं. फाइन, ये नॉर्मली इसे अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद का प्रॉफिट 1,00,000 है, तो हम उसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे. उसी तरीके से ईयर 2023 में जो प्रॉफिट है इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत है यहाँ पर. सो ये किस तरीके का एबनॉर्मल गेन है? जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स को हमने प्रॉफिट में बेचा वो वाला है, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला वो है. सो इस तरीके से हमें एबनॉर्मेलिटीज़ को हटाना है. सो यहाँ इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा ₹2,00,000 और इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा ₹2,20,000.
सो अब ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स हैं, इन्हें ग्रैंड टोटल करेंगे हम, फिर हम एवरेज निकालेंगे। ₹9,90,000 नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹9,90,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है इसलिए डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा ₹1,98,000। फाइन, अब निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हाउ मच टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स है ₹20,00,000 का और आउटसाइड लाइबिलिटीज है ₹5,00,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑफ ₹15,00,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड ₹15,00,000 का, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, सो इट इज ₹1,50,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन, वैल्यू पुट कीजिए, ₹1,98,000 माइनस ₹1,50,000, सो सुपर प्रॉफिट आ गया ₹48,000 का। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट होगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हो गया 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स ऑफ परचेज लिखा है, सो गुडविल इज इक्वल टू ₹1,44,000। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी अंडरस्टूड एंड सॉल्व। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया है। इन केस अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन स्टडी वेल। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।